हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाइट चना मसाला रेसिपी। चनों को मैंने रात भर भिगोकर सुबह अच्छे से धोकर इसको बॉईल कर लिया था। 3 से 4 सीटी में ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। बिल्कुल बेसिक मसालों से हम इसका तड़का तैयार करेंगे। पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल के डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे 3 से 4। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा और लाल मिर्च भून चुकी है, अब इसमें हरी मिर्च और 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे और इसको भी अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटे छोटे कटे हुए प्याज लिए हैं, इसको हम अपने तड़के में डाल देंगे। और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें टमाटर और कुछ मसाले डालेंगे। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, रंग वाली लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन मसालों को अच्छे से टमाटर और प्याज में मिक्स कर पकाएंगे। इनको तब तक पकाना है जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे। तो देखिए मसाला पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब जो हमने चने बॉईल करके रखे थे उसको डाल देंगे। चने डाल देने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उबाला आने तक पकाएंगे। इसको 3 से 4 उबाल देंगे। तो देखिए चने को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी चना मसाला की रेसिपी पूरी तरह से रेडी है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। आप इसको रोटी, पराठा, किसी के भी साथ खा सकते हैं। आज मैं इसको कुलचे के साथ सर्व करूंगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।